सुप्रभात बच्चों, कक्षा 9 हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एक फूल की चाह। ये एक पद्य है जिसके कवि का नाम है सिया राम शरण गुप्त, और कवि के जीवन के बारे में हम पहले परिचय लेंगे, उसके बाद एक फूल की चाह में कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कवि का परिचय। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे और उनके जो पिताजी थे वो भी कविताएं लिखते थे, यानी कि उनके परिवार में उनको बचपन से ही सांस्कृतिक जो वातावरण बोल सकते हैं वो मिला हुआ है। कविता के संस्कार स्वतः ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, अनुयायी यानी कि उनके फॉलोअर थे। इसका संकेत उनकी रचनाओं में मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। उनकी रचनाओं का जो मुख्य गुण है या विशेषता जिसे हम कह सकते हैं कथात्मकता। जैसे ये काव्य जब आप देखोगे तो बहुत लंबा है, लेकिन जैसे हमने लाइव क्लास में हर पंक्ति को रीड करके हर एक वर्ड का मीनिंग निकाल के उसको समझा है, वैसे मैं ये वीडियो में नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपको ये जो काव्य है उसे एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी ताकि आपको पूरा काव्य समझ में आ जाए। ये जो काव्य है एक फूल की चाह, जिसमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारे चोट की है। देश के ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य के पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। अब हम देखें एक फूल की चाह में कवि श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने क्या कहा है या ये कविता किसके बारे में है। तो जिस तरह से अभी के दौर की हम बात करें तो स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सारे लोग घर में बंद है, ठीक है, बहुत कम लोगों को जिनको ज़रूरत है वही लोग बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल ख़त्म होने को आया है। तो किसकी वजह से, ये कोरोना महामारी की वजह से, कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से। तो एक ऐसी ही महामारी की ये काव्य में बात की है, और ये समझना आसान इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आप ये सब कुछ अनुभव कर रहे हो अभी, इसीलिए आपको जल्दी से पता भी चलेगा। तो एक समय था जब समाज में ये महामारी फैली हुई थी, लोगों एक के बाद एक लोग बीमार हो रहे थे। तो एक सुखिया नाम की जो बेटी होती है उसके जो पिताजी है, जो कौन से वर्ग से है, दलित वर्ग से है, यानी कि नीची कास्ट से है, ठीक है ना, वो उसकी बेटी को जब भी बाहर खेलने वो जाती थी, क्योंकि छोटी थी तो वो मानती नहीं थी, उसे बहुत मना किया जाता था कि बाहर खेलने मत जा, अभी बीमार होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन वो बच्ची छोटी सी थी, जिस तरह से आप लोग मास्क ज़्यादा नहीं पहनते हो वैसे ही वो बच्ची भी, और खेल से तो कोई भी अलग नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। तो वो बच्ची भी क्या करती थी, एक पल भी घर में ठहरती नहीं थी, वो जब भी देखो वो बाहर खेलती हुई मिलती थी, इवन वो घर में हो तब भी पल भर वो शांति से बैठती नहीं थी, उछलती कूदती रहती थी जैसे हर एक छोटा बच्चा होता है। उसके पिताजी को उसे देख के चिंता होती है कि कहीं इसको अगर ये बीमारी ने जकड़ लिया तो फिर मैं क्या करूँगा, और बेटे को कहता है लेकिन बेटी मानती नहीं है। एक दिन होता भी वैसा ही है कि उसकी बेटी को अचानक से बुखार आने लगता है, वो बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि उसके शरीर के जो अंग है वो शिथिल होने लगे, उसने खाना पीना बंद कर दिया, जो हर वक्त बोलती रहती थी उसने अब बोलना भी बंद कर दिया था। तो वो जो बेटी है जो बिस्तर में पड़ी है एकदम निश्चेतन होकर, यानी कि जैसे जिंदा लाश होती है वैसे पड़ी है,
उसे देखकर उसके पिताजी को बहुत दुख होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैंने बहुत समझाया था इसे, लेकिन इसने माना नहीं। उसकी जो बेटी है वो उसके पिताजी के सामने एक चाह रखती है कि मुझे देवी पे चढ़ाया हुआ एक फूल चाहिए प्रसाद के रूप में। उसका मानना ऐसा था कि अगर देवी पर चढ़ा हुआ फूल मुझे मिल गया तो मेरा ये जो बुखार है, मेरी ये जो बीमारी है, उसमें से मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि वो लोग दलित वर्ग से थे, तो उस ज़माने की बात है जब ये छूत अछूत का भेद बहुत चलता था समाज में। जो नीची कास्ट के लोग थे, जिनको अछूत माना जाता था, उनको मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं था। लोगों का मानना ऐसा था कि अगर अछूत लोग मंदिर में आते हैं तो क्या होगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मंदिर में जो विराजमान देवी देवता है वो अपवित्र हो जाएगी, उनकी गरिमा नष्ट हो जाएगी। तो कवि यही समस्या का केंद्र भाव बना के ये काव्य हमें देना चाहते हैं। और वो छोटे से बच्चे ने तो अपनी चाह रख दी पिताजी के सामने, लेकिन उसके पिताजी के लिए ये बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि वो मंदिर में जाके फूल नहीं ला सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो उसे पता था कि क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बाप का दिल है, उसने देखा कि मेरी बेटी ने मेरे सामने कोई इच्छा रखी है, कोई चाह रखी है, तो मुझे उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। और वो करता भी वैसा ही है। वो क्या करता है, अपना बेस बदल कर, मतलब लोग उसे पहचान ना ले, क्योंकि मंदिर में तो वो ऐसे तो जा नहीं सकता, तो वो अपना बेस बदल कर मंदिर में जाता है। मंदिर एक ऊंची चोटी पर है, पवित्र वातावरण है, भगवान का नाम सुबह सुबह गूंज रहा है, सारे लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, बहुत पवित्र वातावरण है जिसका वर्णन काव्य में किया गया है। वो जो सुखिया का पिता है वो भी मंदिर में जाता है, वो आरती वो सब भी करता है, वहाँ पे अटेंड करता है। वो जो पुजारी है मंदिर का, वो उसे देवी का चढ़ा हुआ फूल भी उसके हाथ में रखते हैं और उसे प्रसाद भी दिया जाता है। और जैसे ही वो वापस मुड़ता है और मंदिर के बाहर, अभी तो वो आने ही वाला होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और फिर चिल्लाने लगते हैं लोग कि ये अछूत ये मंदिर में कैसे आ पाया। लोग उसे घेर लेते हैं, वो वहाँ से निकले उससे पहले तो उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे बहुत मारा पीटा जाता है, उसे धक्का दिया जाता है मंदिर के बाहर, जिसकी वजह से उसके हाथ में वो देवी के पे चढ़ा हुआ जो फूल है, जो प्रसाद है, वो बिखर जाता है, गिर जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, क्या वो लोगों को समझा पाएगा या अपनी बेटी के लिए वो फूल लेके जा पाएगा, क्या उसकी बेटी वो फूल को पा पाएगी, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, तो नेक्स्ट पीरियड में ये पोएम को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।